पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल करने के दो तरीके बताने वाला हूँ। उन दो तरीकों का यूज करके आप अपने पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हो। पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप टास्क बार पे सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक कीजिए। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक कीजिए। प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करने के बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद वेबएक्स पे क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर से अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल हो जाएगा। वेबएक्स अनइंस्टॉल होने के बाद डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद पेज को कट कीजिए। पेज को कट करने के बाद स्टेप नंबर दो, सर्च बार में टाइप कीजिए सेटिंग्स, उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऐप पे क्लिक कीजिए। ऐप पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करने के बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद वेबएक्स के आगे में थ्री डॉट दिए हैं, उस थ्री डॉट पे क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर से अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर से अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। अनइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल हो जाएगा। वेबएक्स अनइंस्टॉल होने के बाद डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद पेज को कट कीजिए। पेज को कट करने के बाद इसी तरह से आप पीसी या लैपटॉप से वेबएक्स रिमूव डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हो।